हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी का, वो भी फर्स्ट बुक का। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती जाऊं, आप उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट बुक को रेडी कर लेना। उसे रेडी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी स्कोरिंग हो जाएगी। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारी ये बुक 36 मार्क्स की नज़र आएगी और हमारे चैप्टर्स भी जो हैं वो है फंडामेंटल्स, गुडविल है, हमारे पास चेंज है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है और उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले रिवाइज करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब लास्ट चैप्टर से थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आता है लास्ट चैप्टर से रिविजन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है तो वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम लोग तैयार करेंगे इस चैप्टर में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। मीनिंग तैयार करने के बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से मोड्स हैं ये आपको बुक में मिल जाएंगे, इसका डिफरेंस तैयार करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, और एमसीक्यू बेस के लिए सेक्शन 48 और सेक्शन 49 को भी नहीं भूलेंगे, जिसमें 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बताता है और 49 प्राइवेट डेब्ट्स और हमारी फर्म्स डेब्ट के बारे में बताता है। इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सेक्शन 39 में होता है, इसको भी नहीं भूलेंगे। और अब चलते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस क्या आएंगे बच्चों। तो इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहला है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट विद क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस लाइव्स में बताया था, वहां से उठा के आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट करेंगे, या फिर ऐड होकर हो सकता है अकाउंट ना आए तो वो हमसे जनरल एंट्रीज दे दें। जनरल एंट्री जो आने के चांसेस हैं वो 5 तरीके की एंट्री है। पहली, जब हमारी एसेट्स रियलाइज होती है तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री होगी। कोई एसेट पार्टनर ले ले, कंसर्न पार्टनर टू रियलाइजेशन होगी। अगर लाइबिलिटी पे फर्म कर दे, रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक। कोई कंसर्न पार्टनर लाइबिलिटी ले ले, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर का नाम। डिसोल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री, डिसोल्यूशन लॉस की एंट्री, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, इनकी कॉमन ट्रांजेक्शन, और एक आखिरी एंट्री वो है इंटरनल लोन पार्टनर्स का पेड करना बाय फर्म। तो इंटरनल पार्टनर लोन टू बैंक या फिर लोन का पैसा मिलना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरनल पार्टनर लोन। एक एंट्री पे बहुत फोकस रखना कि अगर हमने लाइबिलिटी पे करी है एसेट्स देकर और फुल सेटलमेंट है तो नो एंट्री होगी, और सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तो रिमेनिंग कैश अगर देना है तो टू कैश से देंगे, मिलेगा पैसा वापस तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस तरह से हमारे ये चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को खत्म करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है डेथ ऑफ द पार्टनर। क्योंकि बच्चों हम रिवीजन लास्ट चैप्टर से कर रहे हैं तो सबसे पहले तैयार करेंगे कि रिटायरमेंट पार्टनर में और डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या अंतर होता है। डेथ नेचुरल होती है, रिटायरिंग पार्टनर वॉलंटरी होता है। डेथ में पार्टनर में डिसीज पार्टनर अकाउंट बनाते हैं और इसका पैसा लीगल हायर लेता है इसका एग्जीक्यूटर। तो इस चैप्टर में अगर बात करें कि भाई कौन कौन से दो क्वेश्चन है जिसको आने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पहला है बेटा छोटा क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सेल में से एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में नजर आएगा और उसको हम अच्छे से अटेंड करेंगे बाय डूइंग द फॉर्मूला, बाय पासिंग द फॉर्मूला, बाय शोइंग द फॉर्मूला और इसके आंसर निकाल लेंगे। साथ में हमारा डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको कंप्लीट सिखाया था, लेकिन एक बार को डिसीज पार्टनर ना भी आए लेकिन इसका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन अकाउंट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, लोन का पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में हुआ, उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाई, ये सारी बातें ध्यान रखते हुए डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स का आप लोन अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग इस बार अच्छे से सेक्शन 37 को रेडी करेंगे।
करेंगे, ये वो सेक्शन है जिसमें हमारा अगर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट तुरंत नहीं किया गया है तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे। इसके दो कॉन्सेप्ट है, पहले तो जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 6% अगर कोई भी डीड पर इंटरेस्ट नहीं है तो। दूसरा हमारा जो पेमेंट है डिसीज पार्टनर का डिवाइड बाई टोटल ऑल द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इनटू जो पैसा फर्म ने प्रॉफिट इस टाइम पीरियड में कमाया है उसको भी शो करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा वो पैसा होगा जो एग्जीक्यूटर को उस टाइम पीरियड का मिलेगा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो जब तक उसे पेमेंट नहीं मिला था तो जो फर्म ने कमाया। तो आपकी बुक्स में ये बेसिकली सेक्शन 47 के नाम से क्वेश्चन है, अगर TS बुक की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ही 37 है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस बार का एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में बच्चों दो क्वेश्चंस के आने के अच्छे चांसेस रहते हैं, एक तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये नजर आता है, और साथ में गुडविल का एडजस्टमेंट पास करना। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो गुडविल का जो क्वेश्चन था रिटायरमेंट का वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि भाई अगर गुडविल दे रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं करना है पार्टनर्स का हमें कैपिटल का 1,50,000 लेकिन हमने उसको 1,60,000 पे कर दिया तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो क्या है, वो हमारी रिटायरिंग पार्टनर चैप्टर की गुडविल है जिसको निकाल कर आपको एंट्री पास करनी है, जिसे हम कहते हैं क्या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये सारी एंट्री रिवैल्यूएशन में हो सकती है, जब मैंने 2 महीने की पूरी सीरीज पढ़ाई थी लाइव क्लास की December 1 से हमारी जो 30th of January तक चली थी उसमें एक वीडियो में केवल रिवैल्यूएशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रिवैल्यूएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वो हमें अच्छा 32 सेक्शन में रिटायरमेंट पढ़ते हैं याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है एग्जाम में एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आ जाए, 80% चॉइस आएगी, 80-85%, बाकी 10-15% का तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि हो सकता है चॉइस ना हो रिटायरमेंट और एडमिशन में, लेकिन 85-90% तक हमें है कि एडमिशन और रिटायरमेंट क्वेश्चन में लॉन्ग में हमें एक चॉइस नजर आएगी। तो एडमिशन के लिए वही एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5 बातें याद रखना, एसेट्स का बढ़ना कम हो जाना, और साथ में हमें याद रखना है इसमें हमारे ऑल डेटर्स आर गुड प्रोविजन का क्रिएट होना, प्रोविजन बैड डेट अंदर होना, बाहर हो जाना एडजस्टमेंट में अंदर प्रोविजन होना, और क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम वाले कॉन्सेप्ट, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड, ये कॉमन रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अच्छे से तैयार करने हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड पीएनएल जो हम क्या जानते हैं, WCR, IFR, क्रेडिट में ओल्ड गुडविल, डेबिट में पार्टनर की प्रीमियम बांटना, पार्टनर का कैपिटल लाना क्रेडिट में, और डेबिट में हमारा इसका एडजस्टमेंट करना अगर डेबिट क्रेडिट कम हो तो, और क्रेडिट साइड एडजस्टमेंट करना अगर डेबिट कम है, तो ये बातें हमें याद रखनी है चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर में। साथ में न्यू पार्टनर्स के आने की जो हमारी एंट्रीज होती है 3 एंट्रीज, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम बांटना प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, याद रखना अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद है वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसमें ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है तो उससे हमें GR SR पूछने के क्वेश्चन आ सकते हैं, WCR के ट्रीटमेंट छोटे-छोटे MCQs में नजर आ सकते हैं, और IFR के ट्रीटमेंट्स छोटे वाले हमें MCQs में नजर आ सकते हैं। बाकी इसमें एक थ्योरी भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है तो इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें एडमिशन आता है, रिटायरमेंट आता है, डेथ आता है, और अमालगमेशन भी आता है, ये याद रखेंगे, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट इससे पहले वाला चैप्टर है गुडविल। तो गुडविल में आप लोग गुडविल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल क्या क्या होता है, इसके तीनों मैथड्स के फॉर्मूले बच्चों और 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना
ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें याद रखना एक स्टाइलिश बात क्या कि जितने भी लॉसेज हैं ऐड कर देंगे, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज हो गया है तो वो वैल्यू भी हमारी ऐड होगी। रेम्यूनरेशन सैलरी हमारा हमेशा माइनस होगा, तो इसे याद रखना है। तो ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, इसे भी करेंगे। फंडामेंटल चैप्टर्स में आप लोग को बस दो कॉन्सेप्ट मेरे कहने पर तैयार कर लो, वो है P&L अप्रोविएशन अकाउंट, इसमें IOC अच्छे से कर लो, IOD के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से, जनरल रिजर्व अगर अलग से असाइड कर दिया है, रिजर्व वाला पोर्शन नॉट जनरल रिजर्व, तो उसको तैयार कर लो। और याद रखना कि अगर लोन है, रेंट है, कमीशन है, तो हमेशा नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। और बच्चों नेट प्रॉफिट कम है और पेमेंट देने वाला ज़्यादा है तो उसे क्लेम रेशियो में देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो P&L अप्रोविजन के साथ साथ पास एडजस्टमेंट के जो आपके सिंपल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे IOC नहीं दिया, IOD नहीं दिया, सैलरी कमीशन नहीं दिया, और कमीशन में आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, ज्यादा डीप कठिन क्वेश्चन मत करना पास एडजस्टमेंट के, क्योंकि वो आपसे इजीली हो जाएंगे, इतने इजी आएंगे। साथ में इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में MCQs को ज्यादा फोकस करना, एक तो एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के MCQs, IOD के MCQs, IOC के अगर क्लोजिंग ना देकर ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देकर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो वो वाले कॉन्सेप्ट, कमीशन वाले कॉन्सेप्ट जिसमें आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। और कभी भी एक बात से कभी भी इग्नोर नहीं करना कि अगर नेट प्रॉफिट कम है और पेमेंट देने वाला ज़्यादा है तो वो हमेशा क्लेम में जाएगा, और अगर वो चार्ज है तो डिविजिबल लॉस हो जाएगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होगा। तो फंडामेंटल जब हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स मेथड है तो क्या क्या चीजें किधर डेबिट क्रेडिट में आएंगी, तो इनको भी बिल्कुल नहीं भूलना है, तो अच्छे से कवर कर लेना है बच्चों। तो ये हमारी फर्स्ट बुक का रिवीजन होगा, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हमारी पार्टनरशिप रीड है, 31 में एडमिशन है, 32 में हमारा रिटायरमेंट है, 39 में डिसोल्यूशन है, 48 में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, 49 में फर्म्स डेब्ट और क्या प्राइवेट डेप्ट है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर, मतलब पूरी बुक का रिवीजन करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप उसको आराम से पूछिए, कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बच्चों बाय बाय।